नमस्कार मित्रों, आज मैं एक अलग विषय पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जानकारी आप सबको होनी चाहिए। हम सब ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं, एयरलाइंस के, प्लेन के, इंटरनेट के थ्रू, डिजिटाइजेशन के ज़माने में। और बहुत बार आपने देखा होगा कि यदि आप इस फेयर का ब्रेकअप लोगे तो टैक्सीज के अलावा बहुत से माध्यम ऐप्स आपसे एक कन्वीनियंस फी लेते हैं। तो आज का टॉपिक कोई ऐप के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मुझे ये समस्या एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू मिली है, लेकिन मुझे इस बात की कोई विशेष गारंटी नहीं है कि सिर्फ ये एक ऐप का इशू है या सब ऐप्स का है। ये आप मुझे बेहतर बता पाओगे। तो प्रथम बात करते हैं कन्वीनियंस फी की। तो ये कन्वीनियंस फी क्या होती है? ये कन्वीनियंस फी आप एक ऐप को या एक वेबसाइट को आपके सुविधा के लिए देते हो, उनके सर्विसेज यूज़ करने के लिए। ये कन्वीनियंस फी आपके ट्रेन के टिकट्स, प्लेन के टिकट्स या बहुत बार मूवी टिकट्स में भी ली जाती है, जिसे कभी कभी इंटरनेट हैंडलिंग फीस कहा जाता है। यदि आपने कभी कोई मूवी ऑनलाइन बुक की है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे PVR का ऐप होता है, तो यदि टिकट 100 रुपये की है तो आप देखेंगे कि कुछ 20 रुपये 30 रुपये पर टिकट की इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस आपसे ली जाती है, जो अगर आप डायरेक्टली जाके थिएटर से लोगे तो आपसे नहीं ली जाती। सिमिलरली एयरलाइंस के टिकट में भी यदि आप ब्रेकअप देखोगे तो आपके एयरलाइन का एक बेस फेयर होता है, बाकी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, फ्यूल के, एक क्यूट फी होती है जो बहुत बार आप टर्मिनल, जो आप एयरपोर्ट पर टर्मिनल कियोस्क यूज़ करते हो उस तरफ होती है, और एक कन्वीनियंस फी होती है जो आप उनके माध्यम, उनका इंटरनेट यूज़ करने के लिए आप उनको देते हो। ये जो कन्वीनियंस फी होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है, क्योंकि बाकी के जो फीस है वो एयरलाइन का एक हिस्सा होती है, टिकट का एक हिस्सा होते हैं, जैसे सरचार्ज है, फ्यूल चार्जेस है, पार्किंग चार्जेस, जो भी उनके चार्जेस होते हैं। और एक कन्वीनियंस फी आप टिकट के प्रति नहीं दे रहे हो, अपनी सुविधा के प्रति दे रहे हो, तो टिकट के ऊपर एक्स्ट्रा ली जाती है। तो जब आप टिकट कैंसिल करते हो तो आपको वो फ़ी रिटर्न नहीं की जाती। जैसे मान लो अगर मैं PVR से टिकट बुक करूँ 100 रुपये के और मैं उन्हें 120 रुपये दे रहा हूँ इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस, तो जब वो टिकट रिफंड करेंगे तो मुझे 100 रुपया ही देंगे, 20 रुपया उनके पॉलिसी से नहीं देना, क्योंकि आप वो माध्यम यूज़ कर चुके हो। ये आपका एक खुद की आपका एक डिस्क्रिप्शन पे आप यूज़ कर रहे हो, आप सीधा जाके टर्मिनल से भी बुक कर सकते हो। तो बहुत से ऐप हैं जो ये कन्वीनियंस फी नहीं लेते, जैसे अभी ईज माई ट्रिप है, ये नहीं लेते, लेकिन बाकी सब ऐप्स और इवन वेबसाइट्स जो खुद एयरलाइंस के वेबसाइट है, जैसे गो एयर है, इंडिगो के, ये सब आपसे कन्वीनियंस फी लेते हैं। जब आप, मैं बात ये कह रहा हूँ कि यदि आप अपने टिकट कैंसिल करते हैं तो ये फी फिर से आपके कैंसिलेशन चार्जेस में नहीं आनी चाहिए, लेकिन बहुत आज बार हम ये चीज़ नहीं देखते, क्योंकि बहुत बार जब हम टिकट्स कैंसिल करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं, तो एयरलाइंस हम पे पेनल्टी लगाती है। तभी बात ये नहीं होती कि कितने पैसे वापस आ रहे हो, कितने जल्द वापस आ रहे हैं। और बहुत बार जब आप ऐप में से ये टिकट कैंसिल करते हो तो ऐप आपको सुविधा देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट किया जाता है इस फीस के प्रति, तो आपको कभी ये चीज़ पे सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती होगी, मुझे भी नहीं थी, किंतु आज एक विशेष परिस्थिति में मेरी ये बात मेरे ध्यान में आई। तो आपके सामने मैं एक इन्वॉइस ला रहा हूँ, तो मैं ये टिकट आप जो देख रहे हो ये ब्रेकअप है, मैंने मुंबई से देहरादून से रिटर्न फ्लाइट ली है, जिसकी कॉस्ट है फ्लाइट की 10,000 रुपये। इसके अलावा मैंने पर सेक्टर, जैसे मुंबई से देहरादून और देहरादून से मुंबई के फ़्लाइट को इंश्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस भरा है, जो ऐप ने मुझे प्रोवाइड किया था, ताकि यदि अगर फ़्लाइट डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए, बैगेज लॉस हो जाए, तो मुझे कुछ अमाउंट मिलता है, उसके टैक्स अलग है। और तीसरी आप अगर ये देखोगे तो ये कन्वीनियंस फी है, जिसमें इन्होंने अपना एक डिस्काउंट दिया है, जैसे अगर 600 रुपये तो आप देखोगे 171 रुपये डिस्काउंट है। अब ये कन्वीनियंस फी भी पर सेक्टर पे है, जैसे अगर मुंबई से देहरादून की टिकट बुक की है तो उसकी कन्वीनियंस फी 300 रुपये है और रिटर्न की 300 है। तो मैं डिस्काउंट हटा देता हूँ, मैं एक राउंड फिगर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं इंश्योरेंस इसमें से हटा दूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई टिकट की, जैसे मैंने आपको मूवी टिकट का एग्जांपल दिया, 10,000 रुपये टिकट की कॉस्ट हुई, जिसमें सब क्यूट फी, सब जो एयरलाइंस का ग्राउंड चार्जेस है, और 600 रुपये इंटरनेट हैंडलिंग फीस हो गई, तो 10,600। तो यदि कल अगर मेरे टिकट कैंसिल होते हैं, मान लीजिए दोनों फ्लाइट्स मुझे फुल रिफंड इशू करते हैं, तो मुझे 10,000 वापस आने चाहिए, 600 नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी से हमने यूज़ कर लिए हैं। अब मुझे कुछ कारण के प्रति मेरी स्पाइसजेट की फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जो फ़्लाइट
10:15 की थी, वो रीशेड्यूल होके दोपहर के 3 बजे की हो गई। तो स्पाइसजेट के वेबसाइट के पॉलिसी अनुसार यदि आपकी फ़्लाइट 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद प्रीपोन या पोस्टपोन होती है तो आप फुल रिफंड ले सकते हो। तो मैंने स्पाइसजेट को कॉल किया तो स्पाइसजेट ने मेरी बात मानी और उन्होंने कहा कि हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे, लेकिन क्योंकि आपने ऐप के थ्रू बुक किए तो हम ऐप को दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐप को भी नोटिफाई कर देना उनको और 48 आवर्स में हम आपका रिफंड इनिशिएट करेंगे। तो मैंने ऐप को तुरंत नोटिफाई किया और प्रॉम्प्ट सर्विसेज से मेरा रिफंड इनिशिएट भी हो गया और मुझे मिल भी गया। लेकिन जब मैंने रिफंड अमाउंट देखा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, ये रिफंड अमाउंट 3,200 रुपये का था। जब उन्होंने मैं ब्रेकडाउन देखा तो उसमें उन्होंने मुझसे 600 रुपये कुछ काटे थे जो कन्वीनियंस नॉन रिफंडेबल फीस थी। अब पहली बात तो मैंने एक ही टिकट कैंसिल की है तो कन्वीनियंस फी 1,03,000 होती है, वो उन्हें काटने भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें 600 काटे। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर अगली बार का भी मैंने टिकट कैंसिल किया तो आप फिर से 600 काटोगे। तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था, मेरे भी ध्यान क्या गलत हो रहा है उस पर नहीं गया। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया था कि भाई आपका रिफंड प्रोसेस हो गया, तो आप बाकी के पैसे या नॉन रिफंडेबल के लिए आप अपना क्लेम जनरेट कर दो। मुझे ये बात समझ नहीं आई तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि ये 600 रुपया नॉन रिफंडेबल है और मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मैं 600 रुपया ये मेरे इंश्योरेंस से क्लेम कर सकता हूँ। अब 600 रुपये बहुत मामूली सी अमाउंट थी, लेकिन क्योंकि कोविड है और मैंने सोचा इंश्योरेंस लिया तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने अपना एक क्लेम रजिस्टर किया, जो बहुत बड़े फॉर्म्स थे मैं रजिस्टर नहीं कर पाया, तो मैंने उनको कॉल किया, मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ। इवेंचुअली उन्होंने कहा कि आप फॉर्म्स, टिकट कैंसिलेशन, आपको कितना रिफंड आया है और आपके बैंक अकाउंट दे दो। तो मैंने सब डिटेल्स दे दिए तो उन्होंने मेरा क्लेम रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम खाली जो ग्राउंड टिकट्स है, जैसे मैंने कहा जो 10,000 की टिकट है या 4,000 की टिकट है, उसमें अगर फ्लाइट आपको कोई पेनल्टी लगाती है, पैसे आपके जाते हैं, तो हम वो रिफंड करेंगे, नॉन रिफंडल्स पे पॉलिसी नहीं होती। तो जब मैंने अपने ऐप के पास गया, उनका कोई कस्टमर केयर है नहीं कोविड के वजह से, तो सब ऑनलाइन बातें होती है, मेल पे, फेसबुक पे बातें होती है, जो भी मुझे बहुत तकलीफ हुई फाइंड करने में। तो मैंने उनसे इशू रेज किया कि मेरा क्लेम रिफ्यूज़ हो गया तो आप क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका क्लेम, जैसे उन्होंने कहा, फ्लाइट टिकट पे हो सकता है, नॉन रिफंडेबल पे। तो जब मेरा क्लेम रिफ्यूज़ हुआ तब मुझे ये बात समझ में आई कि एयरलाइन ने तो मुझे पूरे पैसे रिफंड किए, तो ये फिर से कन्वीनियंस फी क्यों काट रहे हैं जो फीस मैं उन्हें पहले ही दे चुका हूँ। जैसे मैंने आपको टिकट का एग्जांपल दिया था, फिल्म टिकट का, कि अगर मैं 100 रुपये टिकट के दे रहा हूँ और 20 रुपये इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस दे रहा हूँ, तो मैं रिफ़ंड उनसे 120 रुपये तो नहीं मांग रहा, मैं 100 रुपये ही मांग रहा हूँ। तो ये 100 रुपये में से भी 20 रुपये क्यों काट रहे हैं? तो जब मैंने इनसे इशू रेज की तो मैंने उनको प्रथम ही इशू रेज की कि भाई आपने मेरी फ़ीस काटी है, 690 रुपये काटे हैं, लेकिन मैंने पर टिकट इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस दी है 300 रुपये एक जगह पे और 300, तो आपने पूरी क्यों काटी है? तो अगर मेरा अगला टिकट कैंसिल होता है तो क्या आप फिर से 600 काटोगे? तो पहले उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जवाब दिया कि नहीं, ये नॉन रिफंडेबल होता है और इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करता है। तो मैंने फिर से और आगे बात बढ़ाई, तब उन्होंने थोड़ा मैटर एस्केलेट किया। फिर उनके कोई सीनियर आए तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि आपको रॉन्गली चार्ज हुआ है 250 रुपये, इसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 2 लेग का तो हम आपको 250 रुपया रिफंड करेंगे और 250 रुपया आपको नहीं रिफंड करेंगे। मैंने उनको फिर से मेल डाला पूरा और मैंने कहा कि यदि आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे फ़ोन कराइए, कि आपको ये फ़ीस जो आप मेरे डिडक्ट कर रहे हो आपके पास पहले से है, ये फ़ीस ना आपने स्पाइसजेट को तो दी नहीं है, ये आपकी फ़ीस है, तो आप स्पाइसजेट के अमाउंट में से क्यों काट रहे हो? क्या आपने ये फ़ीस स्पाइसजेट को दी थी और उन्होंने आपको इतने पैसे दिए कि आपने स्पाइसजेट का जो 4,000 का टिकट था उसमें 300 रुपया इंक्लूडेड था और स्पाइसजेट ने आपको 3,700 रुपये ही दिए और आप मुझे 3,700 लौटा रहे हो, तो बात ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे स्पाइसजेट का टिकट 4,000 प्लस 300 माने 4,300 रुपये में गिरा है, जिसमें से 4,000 आपने स्पाइसजेट को दे दिए हैं और 300 रुपये आपने खुद रखे। इतना समझाने के बाद फिर उनको ये बात समझ में आई, तब उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने मुझे एक मेल लिखा जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ, कि स्पाइसजेट का जो टिकट हमें स्पाइसजेट से पूरे 4,000 रुपये वापस है, हमने आपको डिस्काउंट दिया था, हम वो डिस्काउंट भी नहीं ले रहे। अरे भाई, वो डिस्काउंट आप तब लोगे जब आपने मुझसे 3,800 रुपये लिए होते थे फ्लाइट के और आपने स्पाइसजेट को 4,000 दिए होते, तो मैं बात मानता था, आपने मुझसे पूरे पैसे लिए लेकिन जो डिस्काउंट स्पाइसजेट ने आपको दिया वो आपका मुनाफा है जो आप रख नहीं सकते, तो आप मुझे वो दे रहे। तो उन्होंने ये मेल लिखा है कि हम आपके जो बाकी के पैसे हैं हम आपको वापस दे देंगे। तो भाइयों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 600 रुपये की बात नहीं है,
हम एवरी टाइम जब ये सर्विसेज यूज़ करते हैं, और अगर भी आप कन्वीनियंस भी दे रहे हो, और बहुत बार हम अकेले के टिकट्स नहीं तो ग्रुप के फैमिली के यूज़ करते हैं और हमें टिकट कैंसिल करनी पड़ती है, तो आप ये ब्रेकअप अवश्य देखिए कि वो टिकट के अंदर कैंसिलेशन जो हुआ है ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, उसमें से आपके एडिशनल कन्वीनियंस फी भी काटी है क्या जो आप पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि वो आपको देनी नहीं है, वो फीस आपके टिकट का हिस्सा नहीं है, वो उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो अगर आप वो फीस इनएडवर्टेंटली दे रहे हो तो आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। अब ये मेरे 600 रुपये कटते थे, मान लीजिए अगर मैं ये इशू नहीं उठाता तो मेरे 1200 कटते थे, जो मैं पहले ही 600 दे चुका हूँ उससे मेरे डबल कटते थे। अब ये मेरा अकेले का कैंसिलेशन है। अब मान लीजिए जस्ट कितने कैंसिलेशन होते होंगे एक महीने में ऑनलाइन ऐप से, और आप गणित लगा लीजिए कि 600 रुपये में से आप उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का मुनाफा और कितने पैसे ये ऐसे ही इनके पास जा रहे हैं जो आपके हार्ड अर्न मनी है। तो ये तो मैंने अपना किस्सा जन जागृति के प्रति आपके सामने ला रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप ने कभी कोई टिकट्स कैंसिल किए, फिर वो ट्रेन की हो प्लेन की हो, तो आप इस कन्वीनियंस फी को अवश्य देखिए, या यदि आपने मूवी के टिकट्स भी लिए हो, कहीं पे भी आपने ऐप पे कोई खरीदी की हो जहाँ पे आपसे इंटरनेट हैंडलिंग फीस या कन्वीनियंस फी ली गई हो अलग से, और जब आपको रिफंड मिला हो तो क्या वो फिर से उसमें से काटी है, तो आप ये इशू अवश्य रेज कीजिए। तो आप भी, मैं चाहता हूँ इस प्रति जागृत रहिए और एक अच्छी सर्विस हमें सब लोग प्रोवाइड करें, क्लीन सर्विसेज, इसके प्रति आपका योगदान कीजिए। धन्यवाद।